हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में मी दस। बेटा इसमें आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं 20। तो मैंने आपको बताया था कि आपके टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी ईडीएम्स के क्वेश्चंस से, ठीक है। तो टॉप 100 क्वेश्चंस आपके कराने वाली हूँ मैं, और वो भी ये पार्ट टू है आपका। कौन सा है? पार्ट टू है आपका, ठीक है, आपको याद रखना है। तो मैंने 20 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, 20 आपके मैं करा रही हूँ। दो आपकी क्लासेस और रह जाएंगी ईडीएम्स पे, वो मैं जल्दी से आपको करा दूंगी, तो प्लीज़ आप वेट कर लेना। और कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है इनको। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स का मतलब होता है स्टे मोरली स्ट्रांग। आपको स्टे मोरली स्ट्रांग रहना चाहिए, मतलब नैतिकता से आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। लॉयर कह रहा है राकेश से, अगर आपको केस को जीतना है तो आपको अपने स्टिक टू योर गन्स पे रहना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है आपको हर जगह देखना है, ठीक है। तो टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग अ स्पॉट, आपको हर जगह देखना है विदाउट किसी भी स्पॉट को छोड़े हुए। टू टेक एफर्ट एवरी एफर्ट, आपको हर एक एफर्ट डालने हैं जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पुलिस पर डिटरमिन नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि क्लाउड्स ऑन हॉरिजन। क्लाउड्स ऑन हॉरिजन का मीन्स होता है आपका प्रॉब्लम्स और ट्रबल, मतलब आपकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। तो विष्णु सेंस दैट देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन, मतलब विष्णु सेंस कर रहा है, मतलब सोच रहा है कि उसके पास ना मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज। अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है समथिंग दैट यू थिंक इज बैड, लेकिन वो आपका टर्न हो जाता है ब्लेसिंग्स में, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज मतलब आप कुछ थिंक कर रहे थे, मतलब आप कुछ गलत या फिर बुरा सोच रहे थे कुछ चीज़ को लेकर, लेकिन वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हो गया। तो टू कैच अ कोल्ड वॉज अ ब्लेसिंग, जो उसे ना कोल्ड हुआ था वो ब्लेसिंग की तरह उसे मिला, ठीक है। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है टू एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्टेन और एंगर, मतलब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो एंगर से, एंगर की वजह से आप क्या हो, स्टेन और एंगर हो, एंगर की वजह से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। ऊषा लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन, मैराथन के बाद में जो ऊषा है उसका फेस कैसा दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 कह रहे हैं आपसे, मेक अ लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट, मतलब कह रहे हैं आपसे मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब एक बड़ी सी कहानी को हमने शॉर्ट में समझा दिया। कैसे? टू से समथिंग इन सिंपल वर्ड्स, आपने कुछ कहा सिंपल वर्ड्स में और इन अ ब्रीफ मैनर, सिंपल वर्ड्स में और ब्रीफ मैनर में, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के अच्छे समझाया उसको। तो वी डिसाइडेड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब हमने डिसाइड किया कि आप एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कन्वर्ट करोगे, कट करोगे, और उन्हें बताओगे क्या कि जो एक्चुअल में वहाँ पे मॉल में हुआ था वो बताएंगे हम, ठीक है। कप ऑफ टी का मतलब होता है नॉट समथिंग दैट अ पर्सन वुड डू, मतलब एक कुछ चीज़ है, कोई काम है जो पर्सन करना नहीं चाहता कभी भी। तो कुकिंग हैज़ नेवर बीन रिचेल कप ऑफ टी, कुकिंग कभी भी रिचेल नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहे हैं आपसे, बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि आप ओवर डूइंग समथिंग कर रहे हो, और कोई भी एक्शन है वो पॉइंटलेस एक्शन है आपकी, कोई भी एक्शन आप ले रहे हो वो पॉइंटलेस एक्शन है। जैसे कि किसी भी बच्चे ने आपके ग्लास को तोड़ दिया, कांच के ग्लास को, ठीक है। अब आपने क्या किया, FIR करा दी, कोई पॉइंटलेस है उसका, कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस है वो, ठीक है। तो ये एक्शन आपकी पॉइंटलेस होती है। जैसे सी वॉज जस्ट बीटिंग अ हॉर्स, डेड हॉर्स, इन थिंकिंग सी कुड चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है अ फ्रेज यूज टू रिफर अ पर्सन, एक फ्रेज है उसको हम रेफर कर रहे हैं किसको, एक पर्सन को, जो अपीयर्स एज सून एज, जब वो मेंशन करोगे उसको जल्दी आपको दिख जाएगा। स्पीक ऑफ डेविल हेयर ही कम्स, मतलब आप वो स्पीक कर रहे डेविल से और वो आपका वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। लेट स्लीपिंग डॉग का मतलब होता है आपका डाई का, लाई का, टू स्टॉप डिस्कसिंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी ओवर और शॉर्टेड आउट, मतलब आप ऑलरेडी वो चीज़ को शॉर्ट कर चुके हो, शॉर्ट आउट हो चुकी है वो चीज़, और फिर भी आप उसे डिस्कस किए जा रहे हो, तो उसे स्टॉप करो, ठीक है। तो टू स्टॉप डिस्कसिंग समथिंग जो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। तो द पुलिस हैड वॉर्न्ड अस, पुलिस हमें वॉर्न कर रही है, लेट स्लीपिंग डॉग लाई एंड मूव अहेड विदाउट आवर लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द कट आउट ऑफ द बैग, लेट लेट द
कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी सीक्रेट रिवील किया, वो भी केयरलेसली रिवील किया उस सीक्रेट को हमने, ठीक है. तो आदर्श जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. आदर्श ने क्या किया कि एक सीक्रेट है उसको रिवील कर दिया, और जो जेंडर का बेबी का बेबी का जो जेंडर है उसको केयरलेसली उसने रिवील कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि अ मेजर इशू या फिर अ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम. एक कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रही है वो, और वो एक मेजर इशू है. तो वी हैड टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम. हमने एक आइडेंटिफाई किया किसको, मेजर प्रॉब्लम को, और बिफोर ही मेड अ डिसीजन, डिसीजन से पहले, ठीक है. टू से इन अ नट सेल. टू से इन अ नट सेल का मतलब होता है टू सम अप ऑफ द पॉइंट्स एंड ब्रीफ, मतलब कह रहा है कि हमने कुछ पॉइंट्स को सम अप किया, और बी ब्रीफली, ब्रीफ से. द टीचर आस्क अस टू क्वांट, मतलब एक टीचर ने हमसे पूछा क्वांट के लिए द फाइंडिंग इन द नट सेल. फिर देखिए, बर्थ एट्स. बर्थ एट मतलब बेट इन गोल्ड, मतलब का मतलब तो इसका होता है टू बी हैवी, टू बी हाईली वैल्यूएबल. मतलब क्या है बर्थ एट का मतलब, वैसे भी आपको पता है हाईली वैल्यूएबल होता है, जैसे हमने कोई भी एफर्ट्स डाले किसी भी चीज़ में और वो चीज़ में मिल गई तो वो क्या हमारे लिए बर्थ एट है, ठीक है. टू बी हाईली वैल्यूएबल. एवरी वर्ड ऑफ वॉट यू से इज़ बर्थ एंड वेट ऑफ द गोल्ड, मतलब आप जो भी वर्ड कह रहे हो वो आपके लिए बर्थ एट हैं, सही है. टू वेदर द स्ट्रोम. टू वेदर द स्ट्रोम का मतलब होता है टू गो थ्रू, टू गो थ्रू समथिंग डिफिकल्ट. आप किसी भी डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टू वेदर द स्ट्रोम, ठीक है. द मॉम टॉट मी, मॉम हमसे कहती हैं हाउ टू स्टैंड स्ट्रांग, आप कैसे स्ट्रांग रहते हो, एंड वेदर द स्ट्रांग मतलब आपकी डिफ़िकल्टीज में भी आप कैसे गो थ्रू कर लेते हो, ठीक है, मुझसे बोल रही हैं मतलब मेरी मॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एन ईजी टास्क. सॉल्विंग द वर्ल्ड एवरी डे वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक, मतलब हम हर चीज़ को इतने ईजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अ पीस ऑफ केक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट योर एक्ट टुगेदर. गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है, तो टू स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड डू समथिंग इन द वे इट शुड बी डन, मतलब आप ना अराउंड में जितने चारों तरफ अपना जो लोग हैं उनको प्लीज़ फूलिस करना, मतलब बेवकूफ़ बनाना बंद करें, और क्या करें, और इसका क्या है, एंड डू समथिंग, कुछ ऐसा करें जो ना आपके लिए अच्छा हो. इट इज़ टाइम यू गेट योर एक्ट टुगेदर एंड डू समथिंग यूजफुल, आप कुछ भी अच्छा सा करो और लोगों को फूलिश बनाना बंद करो, ठीक है. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब ये क्या है आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है. कुछ समथिंग मतलब कुछ चीज़ें जो आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं, आपके रेट से बाहर हैं, आपसे जितना पैसा है उससे बाहर हैं. तो आई थिंक इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग टू गेट द कार माई ब्रदर वॉन्ट्स, मतलब जो चीज़ हम जो अपने ब्रदर के लिए ख़रीदना चाहता हूँ मैं कार, वो मेरे कॉस्ट से बाहर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 कह रहे हैं आपसे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब आप कह रहे हो बहुत ही ज़्यादा आप खुश हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश हो आप. तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो निया सीम टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिंस सी हेयर द न्यूज़ ऑफ हर सन्स प्रमोशन. जब उसने अपने बच्चे की क्या हुआ, जब अपने बच्चे की उसने प्रमोशन के बारे में सुना तो वो निया थी बहुत ही खुश थी वो, ठीक है. टाइम इज़ मनी. टाइम इज़ मनी का मतलब होता है टू वर्क क्विकली इन द टाइम दैट इज़ लेफ्ट, मतलब आपको कोई भी काम करना है वो जल्दी करना है, जब तक समय बीतता है उससे पहले करना है, ठीक है. द मैनेजर इनकरेज द एम्प्लॉयज टू रियलाइज दैट टाइम इज़ मनी एंड वर्क हार्ड, मतलब जो मैनेजर है वो इनक्रेज कर रहा है एम्प्लॉयज़ को कि टाइम आपका निकलने वाला है और टाइम एक मनी है आपके लिए, तो प्लीज़ उसके लिए आप काम मेहनत अच्छी करो. तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, टेक केयर. आपकी दो क्लासेस और रह गई हैं, वो मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दूँगी,